नमस्कार, मैं पूना मंडल आपका स्वागत करती हूँ RLIF 100 न्यूज पर। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए RLIF 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खासकर उत्तर प्रदेश के बांदा जिला से है। बांदा में उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ बैनर तले बांदा जनपद के शिक्षक पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विद्यालय पर तालाबंदी कर बांदा मुख्यालय का प्रदर्शन किया। वहीं विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जिला के कलेक्टर का है, जहां पर उत्तर प्रदेश के शिक्षक संघ बैनर तले पूरे जनपद हजारों संख्या में शिक्षक शिक्षिकाओं ने स्कूल में अवकाश करके तालाबंदी करके पूरा बांदा में सड़कों पर होकर काली पट्टी बांधकर विरोध दिवस मनाया और सरकार के विरुद्ध में नारेबाजी किया। शिक्षकों ने विभिन्न समस्याओं व पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन किया और वहीं जिलाधिकारी हीरालाल के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन भेजकर समस्याओं को निदान करने के लिए आवेदन किया है। वहीं शिक्षक ने बताया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे चलकर और कड़े आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। बांदा से अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? कृतक महापन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृतक महापन जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। हमारा नारा है, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया है और जो भी मांगे सरकार ने हमारी सहमति व्यक्त की थी उसके बाद प्रशासन को जारी नहीं किया है। इसके क्रम में उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक संघ शिक्षक महासंघ के नेतृत्व में आज धरना दिया गया है। प्राथमिक किस्मत विद्यालय में तालाबंदी की गई है। आने वाले समय में यदि सरकार नहीं मानती है तो जो भी प्रदेश नेतृत्व करेगा तो लंबे समय तक के लिए भी कार्रवाई की। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे RLIF 100 न्यूज पर। मैं इस्माइल अंसारी। कानून न तोड़ेंगे न तोड़ने देंगे, हमारी जीत रहे शपथ है। इसलिए खबरों की रफ्तार न थमती है न रुकती है, जिसका कोई बात न रुकता है न झुकता है। अब होगा सीधा प्रहार, अब होगा हर सवालों का जिसका आज तक नहीं मिला जवाब। क्योंकि जब देश पीड़ित होगा तब देश का विकास कैसे होगा? चुप्पी तोड़नी होगी। अब देश जाग चुका है, अब देश हमारे साथ बोलेगा। स्पेशल प्रोग्राम हर रोज शाम 8 बजे पीड़ित इंडिया जो बोलेगा सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। जय हिंद।